सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गझारा मधुबनी, उपशास्त्री द्वितीय खंड का क्लास है। डॉक्टर गंगानाथ झा नाम हुआ। इसमें भाव का विश्लेषण किया गया है। द्वादश भाव जो है तो लग्नात् तनुर्धनम भ्राता सुख पुत्र रिपु स्त्रियः मृत्युः धर्मो च कर्मायो व्ययो भावा क्रमादमी। यानी प्रथम जो है सो तनु भाव हुआ। बारह जो भाव है उसमें प्रथम तनु भाव। तनु भाव में क्या फल देता है लग्न से, तो जन्म समय में जिस लग्न का उदय होता है उसका देह के साथ उदय होने तथा शरीर पर उसके किरण के प्रभाव के कारण तनुभाव नाम रखा गया है। इसलिए देह के अंग आदि जितने नाम हैं उन सबको लग्न का बोध है, इसे तनुभाव कहा गया है। फिर दूसरा है धनभाव। देह के उदय शरीर की प्राप्ति होने के अंतर ही उस देह की रक्षा के लिए धन अन्न वस्त्र द्रव्य की भावना हृदय में आती है, इसलिए द्वितीय लग्न का धनभाव नाम रखा गया है। फिर तीसरा नंबर में आता है सहज। धन की प्राप्ति और रक्षा के लिए पराक्रम बनाना परमावश्यक होता है, इसलिए धन भाव के बाद तृतीय लग्न के पराक्रम तथा सहज भाव नाम हुआ। फिर सहज भाव के बाद सुख भाव कहा गया है चारिम नंबर। पराक्रम प्राप्त होने पर गृह और माता आदि बंधुओं से सुख की भावना हृदय में आती है, इसलिए तृतीय भाव के बाद चतुर्थ लग्न माता गृह बंधु सुख भाव नाम हुआ, नामकरण किया गया है। फिर सुत भाव आया है पंचम भाव से। बंधु गृह सुख प्राप्त होने पर अपुत्र से गतिर नास्ति, वेद में भी इसका व्याख्यान किया गया है। व्यास जी कहे हैं जो पुत्र जो है सो आवश्यक अंग है, उसी से गति प्राप्त होती है, तो इसीलिए इसका नाम सुत नाम रखा गया है। पुत्र भाव इसमें पुत्र से विचार किया जाता है पंचम भाव से। शास्त्र के वचनों से पुत्र प्राप्ति की भावना मन में आती है अथवा ब्रह्म ज्ञान विषय से होता है, इसीलिए चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव लग्न में पुत्र भाव तथा विद्या भाव नामकरण किया गया है। फिर छठम भाव जो है रिपु भाव है, शत्रु भाव कहे हैं इसको, कहा गया है। तो पुत्र जब प्राप्त हो जाते हैं उस पुत्र प्राप्त की कामना के अनंतर विवाह करने की कामना हृदय में आती है, परंच कहा गया है कि विवाह किससे कन्या किसको दें। परंच रोगिनो नैव दातव्यम नौ मूर्खस्य कदाचन, यानी जो रोगी हो जो व्यक्ति शरीर से रोगी हो आ जो मूर्ख हो उसको भी अपनी कन्या को उनके साथ संबंध स्थापित नहीं होना देना चाहिए, इत्यादि वचनों से रोगियों को कन्या देना निषेध है। अतः शरीर को रोगहीन बनाने की भावना हृदय में आती है, अतः पंचम भाव के बाद खष्ट लग्न का रोग भाव नाम हुआ। रोग ही अंतः शत्रु है,
और शत्रु ही रोग स्वरूप है, इसलिए खष्ट भाव का ही रिपु भाव नाम से प्रख्यात हुआ है। इत्यलम्।